लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात में आरोग्य और शिक्षा से जुड़ी अपनी पुरानी मांगों को पूरा करने की मांग की। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए ऑक्सीजन बेड बढ़ाने और जरूरत के अनुसार आरोग्य कर्मी और औषधियां उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। एक सवाल के जवाब में गणेश नाइक ने नवी मुंबई महानगर पालिका सिडकों और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे की नियत और मनमानी पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कोरोना काल में आरोग्य सुविधाओं की बजाय विकास योजनाओं पर पैसा लुटाकर नवी मुंबई की व्यवस्थाओं को खराब करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसी मनमानी नहीं रुकी तो अनुशासित आंदोलन के जरिए वे प्रशासन और सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। देखिए रिपोर्ट। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने आज NMMC आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात में आरोग्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और अपनी पुरानी मांगों पर क्या कार्रवाई हुई इसका हिसाब मांगा। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर से बचाने, ऑक्सीजन बेड बढ़ाने और जरूरत के अनुसार आरोग्य कर्मी और औषधियां उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। मीडिया के एक सवाल पर बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने मनपा प्रशासन, सिडको और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे की नियत और मनमानी पर बड़ा हमला बोला। गणेश नाइक ने कहा कि कुछ लोग कोरोना काल में आरोग्य सुविधाओं को पुख्ता बनाने की बजाय मनपा का पैसा विकास योजनाओं पर लुटाना चाहते हैं और नवी मुंबई की हालत को खराब करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसी मनमानी नहीं रुकी तो वे अनुशासित आंदोलन के जरिए प्रशासन और सरकार को जगाने का काम करेंगे। मैंने आयुक्त महोदय को पहले बोला कि भाई जो अपना प्रशासन के खर्चा छोड़ के जो पैसा बचेगा उसमें से 50% आरोग्य पे खर्चा करो, 30% एजुकेशन पे करो और बचा 20% जनरल मेंटेनेंस पे करो। इस कड़ी में लेते हुए मैंने बोला कि भाई आने वाले कोविड का जो तीसरा लहर है उसको रोकने के लिए बेड्स की उपलब्धता आज से करके रखो, ऑक्सीजन बेड्स रखो, ICU रखो, वेंटिलेटर रखो, दवा पानी का पूरा बंदोबस्त करो, डॉक्टर्स नर्सेस फॉर्ड बाय। एजुकेशन के बारे में हमने बोला है कि भाई जो महापालिका के स्टूडेंट को आप 1,000 रुपया रिचार्ज करने के लिए, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसा दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में भी जाने वाले ऐसे बच्चे हैं जिनके पिताजी के पास 2 बच्चे होंगे, 2,000 रुपये भरने के लिए पैसा नहीं है, उन्होंने मांग की तो वार्ड ऑफिसर के माध्यम से वो लोगों को भी पैसा देने की आप प्रोविजन करो, उन्होंने हाँ बोला है। जो मोबाइल में जो आपको जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए 1,000 रुपया आपको मिलेगा और आयुक्त ने गणेश नाइक के कहने के बाद कबूल किया है तो वो 1,000 रुपये मतलब 2 बच्चों के 2,000 रुपया वहाँ से आप लोग उपलब्ध करा के लीजिए। असल में बीजेपी का मानना है कि नवी मुंबई मनपा और सिडको के अधिकारी पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना नेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। ऐसे में पूर्व मंत्री गणेश नाइक की उपेक्षा हो रही है और उनकी तमाम मांगों पर कोई भी अमल नहीं हो रहा है। इस सवाल पर बीजेपी नेता गणेश नाइक ने अपने पुराने तेवर और ताकत का हवाला देते हुए कहा कि पहले भी हम जनता के लिए काम बंद आंदोलन कर चुके हैं और आगे भी जरूरत पड़ी तो NMMC और सिडको को सबक सिखाने के लिए सड़क पर उतर सकते हैं और प्रशासन को झुका सकते हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा आइए सुनाते हैं। इसलिए आज मैंने आयुक्त महोदय से चेतावनी दी है कि हम लोग आपको आते हैं बहुत शांति से बात करते हैं, इसका मतलब ये ना बस समझो कि हम लोग बहुत डरपोक हैं। ये वासी में सिडको का ऑफिस पेन एंड पेंसिल डाउन करने के लिए गणेश नाइक ने किया था, उस टाइम में गणेश नाइक विधायक भी नहीं था। पेन पेंसिल डाउन, पूरा सिडको ऑफिस बंद। ये जो NMT है वो पहले सिडको के नाम से जानी जाती थी। 1977 में वो बस हवा निकाल के पूरे रास्ते पे, उस टाइम में 40-45 बस थे। उसी दिन शाम को अनाउंसमेंट हुआ था कि नई मुंबई के विद्यार्थी लोगों को भी स्टाइपेंड मिलेगा। ये गणेश नाइक का इतिहास है, ये अहंकार की बात नहीं है। हमें वही जोश है, वही होश है, वही यानी लड़ने की ताकत है, लेकिन फालतू में कोई गलत काम न हो जाए, कोई गलत कोई कानून के तोड़ के रास्ता न निकल जाए, इसके लिए हम संयम से बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।